अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस व्लॉग में हम बनाएंगे सिंपल डोंडा फ्राई। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनी है। मैंने इसको सिर्फ प्याज और टमाटर से बनाया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। डोंडा फ्राई रेसिपी चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिया है कुकर में ऑयल, तेल गरम होने के बाद इसमें डालिए प्याज, डोंडा फ्राई रेसिपी को अलग अलग टाइप्स में बना सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह मैं मेरे आने वाले व्लॉग्स में ज़रूर डालूंगी। प्याज को अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें डालिए अदरक लहसुन और टमाटर। टमाटर को मिक्स कर लें, याद रहे टमाटर को ज़्यादा नहीं पकाना है, साबित टमाटर ही डोंडा फ्राई में अच्छे रहेंगे। टमाटर पकने के बाद मैं इसमें डालूंगी मसाले। मैंने इसमें डाला है हल्दी, नमक और लाल मिर्च। इसको दोबारा से मिक्स कर लें। टमाटर पकने के बाद इसमें डालिए डोंडा। डोंडे को अच्छे से मिक्स कर लें। डोंडे को 1 से 2 मिनट तक हम बिना ढक्कन ढके ही पकाएंगे। डोंडा पकने के बाद मैंने इसमें डाला है हरा धनिया, और मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी। अगर आप चाहो तो कसूरी मेथी को स्किप भी कर सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स होने के बाद इसमें डालिए पानी। बस थोड़ा सा पानी डालकर इसको पकाना है। मैंने कुकर का ढक्कन लगाकर इसको 2 से 3 विजिल लिया है। डोंडे बड़े जल्दी ही बनके सॉफ्ट हो जाएंगे, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दो से तीन विजिल लेने के बाद ये देखिए डोंडा फ्राई रेडी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मैंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।